सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। प्लास्टिक मुक्त पलामू के लिए पलामू पुलिस अधीक्षक ने प्रारंभ किया जागरूकता अभियान। जी हां, पलामू पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा पलामू के नेतृत्व में प्लास्टिक मुक्त पलामू जागरूकता अभियान की शुरुआत शहर थाना अंतर्गत डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के नजदीक सब्जी मंडी से की गई। सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, मिठाई दुकान एवं विभिन्न दुकानों में विक्रेताओं के साथ साथ बाजार में उपस्थित खरीदारी करने वाले व्यक्तियों के बीच पॉलिथीन का उपयोग ना करने की कड़ी चेतावनी दी गई। साथ ही पुलिस के द्वारा कपड़े के बने थैले का भी वितरण इस दौरान किया गया। साथ ही पॉलिथीन के उपयोग करने से होने वाली समस्याओं की जानकारी से संबंधित पोस्टर पंपलेट भी बांटे गए तथा दुकानों के दीवारों पर चिपकाया गया। पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा के द्वारा स्वयं उदाहरण के तौर पर एक सब्जी विक्रेता से सब्जी खरीदकर कपड़े के बने थैले उपयोग करने के महत्व को सांकेतिक तौर पर बतलाया गया। पुलिस अधीक्षक ने यह जोर देकर बतलाया कि प्लास्टिक मनुष्य व पशु दोनों के लिए घातक है, प्लास्टिक का उपयोग कतई न करें। पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि प्लास्टिक कई बीमारियों का कारण है। प्लास्टिक के उपयोग से नदी नाले ड्रेन ही नहीं बल्कि पूरा पर्यावरण दूषित हो रहा है और यह मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा है। प्लास्टिक कई वर्षों तक न नष्ट होता है न डिस्पोजल होता है और नाला ड्रेन आदि के जाम होने का मुख्य कारण है। कई शहरों में जल जमाव की जो समस्या है उसके दो ही प्रमुख कारण है, अत्यधिक संख्या में भवनों का निर्माण और दूसरा प्लास्टिक। बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर घर का निर्माण रुकवाना तो संभव नहीं है, किंतु प्लास्टिक को रोकना समाज के हाथ में है। तमाम सुविधाओं के बावजूद भी प्लास्टिक के उपयोग को त्यागना आवश्यक है। अगर हम लोगों ने प्लास्टिक का त्याग नहीं किया, हमारी पीढ़ी तो परेशानी झेलेगी ही, बल्कि अगली पीढ़ी भीषण संकट में पड़ेगी और आने वाली पीढ़ियां वर्तमान पीढ़ी को माफ नहीं करेगी। इस अभियान में डाल्टनगंज शहर में पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस निरीक्षक, शहर थाना प्रभारी अरुण कुमार महथा, थाना के अन्य पदाधिकारी, परिचारी परवर अनीस मोमित कुजूर एवं पलामू जिला पुलिस के करीब 100 जवान शामिल थे। यह अभियान एक साथ पलामू जिले के हर एक थाना क्षेत्र में चलाया गया। कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत पलामू पुलिस ने कपड़े के बने 15,000 थैले पूरे जिले में आज वितरण किया। उन थैलों पर पलामू पुलिस प्लास्टिक मुक्त पलामू प्रिंटेड था। वहीं पलामू के लोगों ने और बुद्धिजीवियों ने पलामू पुलिस के इस जागरूकता अभियान की भूरी भूरी प्रशंसा की। पुलिस अधीक्षक ने पदाधिकारियों और 100 पुलिस कर्मियों के साथ पूरे डाल्टनगंज बाजार में तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल चलकर इस जागरूकता अभियान को चलाया। इतनी भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को देखकर सभी उत्सुक थे कि पुलिस कौन सा अभियान चला रही है। इस उत्सुकता ने जागरूकता को बढ़ाने का बड़ा ही सफल कार्य किया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में भी पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने पलामू में प्लास्टिक के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया था। पुलिस अधीक्षक के साथ साथ 100 की संख्या में पुलिसकर्मी, थाना प्रभारी, सार्जेंट मेजर, TOP2 प्रभारी, ट्रैफिक प्रभारी तथा पूरी पलामू पुलिस टीम के साथ करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबी पैदल फ्लैग मार्च स्टेशन रोड से बेलवा टीकर रोड, सदिक चौक, पंचमुहान चौक, छमुहान चौक, कनीराम होते हुए शहर के मेन बाजार पर स्थित सभी दुकानों में पलामू पुलिस टीम के द्वारा प्लास्टिक मुक्त पलामू जागरूकता अभियान की जानकारी देते हुए कपड़े के बने थैले पंपलेट का वितरण भारी संख्या में की गई। पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा के द्वारा विभिन्न दुकानों के मालिकों को प्लास्टिक मुक्त पलामू अभियान की जानकारी दी गई एवं प्लास्टिक से बनी वस्तुओं, थर्मोकोल, पॉलीथीन की थैलियों, कप, प्लेट, थाली, ग्लास के उपयोग न करने की बातें कही गई। पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े, जूट के बने थैले, पत्तल, कागज के बने थैले का प्रयोग करने की बातें कही गई। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर थाना के अलावा जिले के सभी थानों के थाना प्रभारियों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में प्लास्टिक मुक्त पलामू जागरूकता अभियान की जानकारी विभिन्न दुकानदारों को देते हुए भारी मात्रा में कपड़े के बने थैले का वितरण किया गया। पलामू पुलिस ने 15,000 कपड़े के थैले का वितरण आज एक दिन में किया है, कम्युनिटी पुलिसिंग स्कीम के तहत। और ये संदेश है कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, ये स्वास्थ्य, जीवन और पूरी व्यवस्था जो इकोसिस्टम बोलते हैं उसके लिए खतरनाक है। और बहुत सारे, चूँकि हम लोग के पास प्लास्टिक
इतना ज़्यादा छा गया है कि इसके विकल्प लगभग समाप्त हो गए, मार्केट में नहीं है, तो कुछ दिनों की कठिनाई आ सकती है। लेकिन जानते हैं जब प्लास्टिक खत्म होगा तभी दूसरे विकल्प अपने आप उभर कर सामने आएंगे। जब आप 50 रुपये किलो सब्जी खरीद सकते हैं तो 2 रुपये का थैला भी खरीद सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब आपको 2 या 4 रुपये थैले में लगेंगे तो आप उसको फेंकेंगे भी नहीं, उसको बार बार यूज करेंगे। अन्यथा क्या होता है कि प्लास्टिक की कीमत नहीं है तो लोग प्लास्टिक लेते हैं फेंकते जाते हैं, लेते हैं फेंकते जाते हैं, थैले के साथ यह बात भी नहीं होगी। तो हमारा ये अनुरोध है कि सभी लोग जो है प्लास्टिक मुक्त पलामू बनाने में सहयोग करें, और मेरा अनुरोध है कि झारखंड में पलामू सबसे अव्वल इस अभियान में आए, यही मेरी इच्छा है।